हेलो एवरीवन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं नितिका एक बार फिर लाइब्रेरी रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट ईयर्स बट आज जो फील्ड है जिस इम्पॉर्टेंट ईयर्स के हम बारे में बात कर रहे हैं वो फील्ड है लाइब्रेरी नेटवर्क लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि स्टेट वाइज हैं और पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जो कि हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आज हम स्टेट वाइज एसोसिएशन को भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी बार देखने को मिला है कि स्टेट वाइज एसोसिएशन और लैगिसलेशन के ऊपर ईयरली ही या ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं तो इन फील्ड के अंदर जो भी ईयर इन्वॉल्व हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है सो so दैट अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें तो so, आज जो हम इसके अंदर फील्ड लेके चल रहे हैं रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट ईयर्स इम्पोर्टेंट ईयर्स में जो आज फील्ड है वो पब्लिक लाइब्रेरी रिलेटेड एसोसिएशन या जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं हमारे इंडिया में या अनदर लाइब्रेरीज़ में वो हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं स्टेट वाइज लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि केरला में लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना बेंगाल मेघालय इन सब का लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया कौन से ईयर में आया ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और एट लास्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब कब राज्यों में पारित हुआ कब वह आया वो ईयर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इनके अंदर आपने देखा होगा टाइम टू टाइम इस पे क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में तो क्वेश्चन ही ईयर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होते हैं या अगर आपको स्टेट वाइज नाम भी दिया जा रहा है तो आप उसको अगर क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट में अरेंज करोगे वो उनके अकॉर्डिंग टू ईयर पे ही करोगे जब तक आपको सही किसी का ईयर मालूम नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होता है गलती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसी में अगर हमें सही उनका पता हो सही किस साल में वह इम्प्लीमेंट हुए कब आए तब हम उसको आंसर को देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और इजीली उसको सॉल्व कर देते हैं तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आ रहे हैं आपके पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन या लाइब्रेरीज सबसे पहले डीआरटीसी की अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कि बेंगलौर में है वो स्थापित किया गया था नाइनटीन में इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं या आ सकता है तो इसका जो ईयर होगा वो आपका होगा 1962 सिक्सटी टू सेकेंड पब्लिक लाइब्रेरी कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बार आपने नाम सुना होगा बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी है आई थी 1890 में कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर रजा लाइब्रेरी खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इनके बारे में इकट्ठा करके भी वह अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन में ईयर पूछा जाता है तो अगर इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो उसके आंसर यहाँ से आपको सॉल्व मिल सकते हैं है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो वह आई थी अट्ठारह यानी कि एटीन में नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रामपुर रजा पब लाइब्रेरी की रामपुर रजा लाइब्रेरी भी बहुत लाइब्रेरी पुरानी लाइब्रेरी है विच इज़ कम अंडर इन द ईयर न सेवनटीन सेवेंटी फोर बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी है ये सेवेंटीन सेवेंटी फोर में आई थी इन तीनों लाइब्रेरी को साथ में रख के या अलग अलग या डी पी एल इसमें डाल के या कॉनमेरा खुदा बख्श औरिएंटल लाइब्रेरी रामपुर रजा के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए या मैचिंग के अंदर तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो आगे बात करें खुदा बख्श की खुदाब्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका 1891 यानी कि 1891 में आई थी ठीक है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी की यहाँ पे अगर हम बात करें एसोसिएशन की आंध्र प्रदेश का पब्लिक लाइब्रेरी का जो एसोसिएशन है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में और एसोसिएशन में दोनों ही बहुत फर्क होता है मेन मेन एसोसिएशन नेशनल इंटरनेशनल हम पढ़ चुके हैं चाहे वो आई एल ए हो आइजलिक हो आइटलिस हो एल ए हो एल ए हो ये हम स्टेट वाइज पढ़ने जा रहे हैं स्टेट वाइज में पहला आपका आ रहा है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि 1914 में आया था कभी कभार एसोसिएशन स्टेट वाइज एसोसिएशन को मिलाकर भी क्वेश्चन बनाया जाता है और हमसे पूछा जाता है वहीं आगे हम बात करें नेक्स्ट की विच इज़ मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसको आप तमिलनाडु भी कहा जाता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका 1928 में स्थापित किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका ईयर होगा 1928 बात करें बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो कि 1936 में आया था तो अगर बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन का ईयर पूछा जा रहा है विच इज नाइनटीन आसाम लाइब्रेरी एसोसिएशन कम इन 1938 ये कुछ एसोसिएशन हैं जो कि स्टेट वाइज दिए हुए हैं आगे बढ़ते हैं दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलए दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपका आया वो आपका 1953 में आया था यानी कि उन्नीस में इसके ऊपर काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है डीएलए के बारे में तो इसका ईयर आगने वाले पेपर में भी आपके सामने आ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ईयर 1953 है नेक्स्ट की बात करें गुजरात लाइब्रेरी एसोसिएशन की वो भी 1953 में डीएलए के आसपास ही उसी ईयर में बनाया गया था मेघालय लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि 1994 में स्थापित किया गया और लास्ट इज योर केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन 1945 में केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपका स्टेट वाइज लाइब्रेरी एसोसिएशन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको उसके ईयर के बारे में पूछ सकते हैं वो ईयर आज हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करी आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेशन के ऊपर लेजिस्लेशन के ऊपर क्वेश्चन मैंडेटरी ही है अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि यू के प्रीवियस ईयर में लेजिस्लेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना आया हो एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आते ही आते हैं एक ना एक या दो क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा इसमें से ज़्यादा भी आ सकते हैं पर ऐसा भी नहीं हुआ है बहुत कम होता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन ना बने ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर है तो आइए हम इनके ईयर भी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले आने वाला तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बोला जा रहा है या तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बोला जा रहा है दोनों ही सेम है तमिलनाडु को ही पहले मद्रास के बारे में जाना जाता था नाम से जाना जाता था तो तब मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से आया था अब उसे तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जाना जाता है जो कि सबसे पहला लाइब्रेरी लेजिस्लेशन था 1948 में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कौन से स्टेट में आया क्या नाम है उसका दैट इज़ तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और कब आया विच इज़ इन 1948 में इसी के दूसरे एकदम बाद जो ये आपका दिए हुए हैं स्टेट ये उनके ईयर के अकॉर्डिंग है दिए हैं आपको इनको इन्हीं ऑर्डर में लगाना है आगे पीछे आप नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर इनके ईयर चेंज हो जाएंगे तमिलनाडु के बाद जो दूसरे देश में दूसरे स्टेट के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया जो दूसरा स्टेट बना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट को लाने वाला वो था आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट दूसरा आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट आया 1960 में यानी कि 1960 में आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका में आया कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि 1965 में आया कर्नाटका के बाद महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया जो कि महाराष्ट्र में आया विच इज इन 1967 महाराष्ट्र के कुछ टाइम बाद वेस्ट बंगाल में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया जो कि पारित किया गया 1979 में देन मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया आपका वेस्ट बंगाल के बाद जो कि आया 1988 में मणिपुर मणिपुर और मिज़ोरम के अंदर काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन ये रहता है कि पहले मणिपुर आया या मिजोरम आया तो यहाँ पे मैं स्थित कर देना चाहती हूँ एम ए यानी कि मणिपुर एम आई यानी कि मिज़ोरम तो ए बी सी डी में ए पहले आता है आई बाद में आता है तो यहाँ पे मणिपुर पहले आया है मिज़ोरम बाद में आया है तो पहले यानी कि वेस्ट बंगाल के बाद जो फर्स्ट सेवन सिस्टर के अंदर से एक्ट आया है वो मणिपुर में आया था जो कि ईयर 1988 में पारित किया गया था ठीक है ये थे आपके लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इसी को ही आगे बढ़ाते हैं उस मणिपुर के बाद जो एक्ट आया वो केरला में आया केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं पूछे जाते हैं डिटेल में ईयर जो है इसका विच इज इन 1989 सिमिलर ईयर में उसी ही साल में हरियाणा में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया सेम केरला के साथ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम केरला से आगे हरियाणा को रखें केरला में पहले आया उसी ईयर में बाद में हरियाणा में आया तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है तो पहले केरला आएगा उसके बाद ही हरियाणा को आप रख सकते हैं ईयर दोनों का सेम है ईयर सेम का मतलब ये हो जाता है कि साल वो एक में ही आए 1989 में पर क्या हो सकता है कि कोई जनवरी में आया हो कोई मार्च में आया हो कोई सितंबर में आया हो तो इस वजह से केरला को आपको पहले रखना है हरियाणा को उसके बाद अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल वे में ही स्टैब्लिश करना चाह रहे हो इसके बाद हरियाणा के बाद जो एक्ट आया वो मिजोरम में आया विच इज़ इन 1993 और वही एक्ट 1993 में गोवा में भी आया गोवा ने भी और मिज़ोरम ने भी दोनों ने सेम ईयर में ही अपना एक्ट दिया 1993 में जो कि सेम ईयर है पर पहले मिज़ोरम में आया फिर गोवा में आया तो इसी अकॉर्डिंगली ही आपको याद रखना है ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले गोवा कर दो फिर मिजोरम कर दो ये नहीं कर सकते आप इसमें गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में आया और उड़ीसा भी 2001 में आया दोनों का ईयर यहाँ पे भी सेम है कभी कभार 2002 भी कह देते हैं उड़ीसा का तो वो अगर होगा तो गलत नहीं कह सकते ठीक है गुजरात और उड़ीसा का दोनों सेम ईयर ये 2001 में आया पर पहले गुजरात का आया उड़ीसा का बाद में ठीक है फिर उसके बाद जो आता है वो है उत्तराखंड उत्तराखंड का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका 2005 में आया जो कि उत्तरांचल को भी डिस्क्राइब करता है अब उसका नाम उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से आप जानोगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान आए जो कि सेम ईयर शेयर करते हैं अगेन 2006 दोनों उत्तर प्रदेश और राजस्थान साथ में आए थे 2006 में उत्तराखंड अलग आया था 2005 में तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है सो so दैट अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिमिलर ईयर का या आगे पीछे करने का दोनों सेम ईयर दिए जाते हैं वहाँ पे आपकी कोई और दिक्कत ना हो वो गलत ना हो आपका क्वेश्चन इसलिए इसी अकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको उसको लर्न करना है पुदुचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि 2007 और 8 दोनों में पारित हुआ क्योंकि कभी कभार इम्प्लीमेंट होते हुए ही नेक्स्ट ईयर लग जाता है तो दोनों ईयर को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो यहाँ पे हम दोनों ईयर को लेके चलेंगे 2007 और 2008 हजार के लिए लक्षद्वीप में आया 2007 में इसके बाद ही बिहार में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया बिहार का भी काफ़ी बार पूछा जाता है इन आपको इन सब में से कोई चार या पांच उठा के दे दिए जाएंगे कहीं से भी वो उठा के दे सकते हैं आपको उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन आया दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कौन सा आया बिहार आपका 2008 में आया उसके बाद जो आया वो है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में और देन अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2009 में यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ को पहले रखा जाएगा अरुणाचल प्रदेश को उसके बाद का चीज़ आप दोगे इसके बाद उसको रखा जाएगा ठीक है तो ये थे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज एंड पब्लिक लाइब्रेरी के एसोसिएशन जो कि स्टेट वाइज एसोसिएशन है इनके ऊपर टाइम टू टाइम क्वेश्चन बनता ही है क्वेश्चन पूछा जाता ही है सो दैट इसीलिए ये सीरीज़ आपके सामने लाई जा रही है ताकि आपके ईयर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कोई भी टॉपिक है जिसमें ईयर पूछे जा सकते हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और उस पर अच्छे से वर्क करके वो ईयर याद कर सके तो इस जो स्लाइड के अंदर इस पूरी वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करे वो कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन थे लाइब्रेरी लेजिस्लेश्स थे और पब्लिक लाइब्रेरीज थी जो कि पूछी ही जाती हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप इन्हें शामिल कर सकते हैं इसलिए हमने आज इनको डिस्कस किया इसके अलावा और भी डिफरेंट क्वेश्चन सीरीज या फिर आपके इम्पॉर्टेंट इयर्स की सीरीज आती रहेगी साथ के साथ सो so दैट आप उनके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको तब तक इन तीन फील्ड्स रिलेटेड जितना भी ईयर्स आज हमने पढ़ा या प्रीवियस वीडियो में पढ़ा आप उसको अच्छे से एक्सेस कीजिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आशा करती हूँ इससे सॉल्व हो जाए और आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको यू जी सी नेट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस को प्रिपेयर करने में हेल्प मिले तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक्सेस कीजिए अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद